हे व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक टू अनदर वीडियो गाइस। ये फिलहाल में मेरे पास में पोको M3 डिवाइस एंड मैंने इसकी जो होम स्क्रीन है वो कन्वर्ट कर ली है एंड्रॉइड 12 में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके जो ऐप के आइकन्स है वो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 जैसे कर लिए हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्लॉक के विजिट्स की तो यहाँ पर वो भी एंड्रॉइड 12 वाले देखने को मिल जाते हैं, और जो वॉल पेपर है वो भी एंड्रॉइड 12 वाला मैंने कर लिया है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वॉल्यूम बार की, तो वॉल्यूम बार भी यहाँ पर आप लोग गाइस देख सकते हो, जो वॉल्यूम बार है वो भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है एंड्रॉइड 12 में। और यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है वो भी यहाँ पर एंड्रॉइड 12 जैसी मैंने कर ली है। सो अगर आपके पास भी कोई भी पोको या रेडमी का डिवाइस है तो आप भी उसकी जो होम स्क्रीन है एंड जो लॉक स्क्रीन है उसको कन्वर्ट कर सकते हो कम्प्लीटली एंड्रॉइड 12 में। सो अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने स्मार्टफोन की जो होम स्क्रीन है उसको कन्वर्ट कर सकते हो एंड्रॉइड 12 में। तो उसके लिए गाइस आप सभी को करना क्या है, आपको कुछ एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड एक थीम आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आपकी जो होम स्क्रीन है एंड जो लॉक स्क्रीन है उसको कन्वर्ट कर पाओगे आप एंड्रॉइड 12 में, है ना। तो मैं आप सभी को एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नेम हो जाता है यहाँ पे लॉन्च है 12.0 alpha 4। ध्यान रखना प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ये वाली एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये लॉन्च है, लॉन्च है तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को नहीं मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। तो वो यहाँ से ही आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ से आप इजीली इसको इंस्टॉल कर पाओगे, है ना। तो इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है अपने स्मार्टफोन में, उसका नेम हो जाता है एंड्रॉइड 12 क्लॉक विजिट्स। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करनी है जिसका नेम हो जाता है यहाँ पर वॉल्यूम स्टाइल चेंज। यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन भी आप जो अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना, ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, है ना। उसके बाद थीम की बात कर लूँ तो यहाँ पर मैं आपको थीम दिखा दूँ, और यहाँ पर थीम देख सकते हो, ये वाला थीम है एंड्रॉयड प्लस 12 प्लस BER 12.5। एक सेकेंड कैमरा कर ले फोकस। तो यहाँ पर ये वाला थीम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है। और मैं आपसे बता दूँ एंड्रॉयड 12 के जो वॉलपेपर्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो उनको भी आप डाउनलोड कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉन्चर की। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो लॉन्चर है जो मैंने आपको बताया लॉन्चर, तो सिंपली आपको उसको डाउनलोड कर लेना है एंड पर आप लोग देख सकते हो अभी इंस्टॉल हो रहा है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस जो है स्कैनिंग हो रही है एंड यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपने सिंपली क्या करना है, अभी आपको होम स्क्रीन में जाना है। होम स्क्रीन में जाने के बाद गाइस यहाँ पर जो डिफॉल्ट लॉन्चर है ना आपका, वो यहाँ पर लॉन्चर सेट कर लेना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो होम स्क्रीन है कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आइकन्स है वो यहाँ पर राउंड हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हो सारे आइकन्स राउंड हो चुके हैं। एंड यहाँ पर जो विजिट है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, आपको जो है एंड्रॉइड 12 के विजिट्स देखने को नहीं मिलते, है ना। वॉलपेपर तो मैंने ऑलरेडी जो है अप्लाई कर लिया है। मैं आपको काफ़ी सारे एंड्रॉइड 12 के वॉलपेपर्स की लिंक दे दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जो है अप्लाई कर सकते हो डाउनलोड करके। तो सिंपली आपको गाइस अब करना क्या है, आपको सबसे पहले होल्ड प्रेस करना है यहाँ पर और होम सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पर जो जनरल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो एडेप्टिव आइकन, सिंपली इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो थीम्ड आइकन्स है इसको इनेबल कर लेना, है ना। उसके बाद आपको बैक आना है और बैक आने के बाद जो होम स्क्रीन है इस पर जाना और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है एट ए ग्लैंस विजिट इसको डिजेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो विजिट था ना वो आ रहा था पुराना सा, वो हट चुका है और यहाँ पर जो आइकन्स है वो यहाँ पर देख सकते हो, जो है जो बैकग्राउंड का कलर है ना, बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर उसका कलर है वो यहाँ पे जो अडेप्ट हो गया है ना, यानी कि उसी कलर के जो है वॉलपेपर सॉरी जो आइकन्स पैक है वो यहाँ पे हो चुका है। अभी लॉन्चर ये अभी बेटा स्टेज में है ना, इसलिए गाइस जो इसके सारे आइकन्स है वो चेंज नहीं हुए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो गैलरी ऐप है, जो कैमरा है वो चेंज नहीं हुआ है, बट और सारे जो आइकन्स है वो चेंज हो गए। तो आपने क्या करना है, जो आइकन्स यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं उनको यहाँ से रिमूव कर देना है, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कुछ इस तरह के जो आइकन्स है वो तो एंड्रॉइड 12 वाले हो गए हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आती है गाइस विजिट्स की। तो यहाँ पर जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है ना एंड्रॉइड 12 क्लॉक विजिट्स, तो सिंपली आपको विजिट्स में जाना है और विजिट्स में जाओगे तो यहाँ पर गाइस जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसके सारे विजिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी विजिट आपको पसंद आए उसको जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँ, कौन सा कर लें भाई, तो गाइस ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 विजिट्स हैं और ये काफ़ी सही लग रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टाइम के विजिट्स हैं, बाकी आपको और भी विजिट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एक सेकंड ये थोड़ा छोटा हो गया,
तो अब सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी जो हमारी होम स्क्रीन है वो देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 12 जैसी हो चुकी है। बस यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम बार है वो भी यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड 12 जैसा है। इसके लिए मैंने जो है जो एप्लीकेशन में आपको बताई ना वॉल्यूम स्टाइल्स, उसको आपको जो है इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है सिंपली। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है ना। तो उसके बाद आपसे कुछ परमिशन वगैरह के लिए बोलेगा, तो परमिशन आप इसकी सारी अप्लाई कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ स्टाइल्स में आपको काफ़ी सारी स्टाइल मिल जाएंगे, बट हमें तो जो है एंड्रॉइड 12 की स्टाइल चाहिए ना, तो एंड्रॉइड 12 वाली पर क्लिक कर देना। एंड उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 12 की जो है देखने को ये मिल जाएगा वॉल्यूम बार। और उसके बाद आप इसकी जो है कस्टमाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो, जैसे आपके स्मार्टफोन अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे है ना, यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, कितना ऊपर रखना है आपको वॉल्यूम बार, कितना नीचा, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो वो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है ना। और लॉक स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको थीम डाउनलोड करना है, और थीम कौन सा है मैं आपसे को बता दूं, ये वाला थीम है एंड्रॉइड प्लस 12, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो उसके जो ये सारे ऑप्शन है ना ये टिक होंगे, तो इनको आपको क्या करना है गाइस, इनको आपने कर देना है अनटिक, और ये जो लॉक स्क्रीन वाला है इसको इनेबल रखना है, इसको टिक रखना है, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है ना। अब उसके बाद गाइस आप लोग देखोगे तो आपकी जो लॉक स्क्रीन है ना वो भी यहाँ पर एंड्रॉइड 12 जैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई लाइक करना, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।